हमारे चैनल से रोजाना अप टू डेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे चैनल के द्वारा लोड किए गए किसी वीडियो को मिस नहीं करने के लिए बेल बटन को भी दबा दें दोस्तों, यह बिल्कुल फ्री है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र, आपका स्वागत है सैम ट्यूटर क्लब में। आज मैं आपको रेडमी नोट 5 और रेडमी नोट 5 प्रो दोनों का स्पेसिफिकेशन और दोनों के बीच में कंपेरिजन करके बताने वाला हूँ कि कौन मोबाइल आपके लिए बेटर होगा, कौन आपको लेना चाहिए। इसके लिए ये वीडियो लास्ट तक देखें, कहीं स्किप नहीं करिएगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल का घंटा बटन भी क्लिक कर दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और भी हमारे चैनल की वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। का ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आ गया हूँ, यहाँ पर देखते हैं क्या है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 9,999 रुपये इसका दाम होगा। एक 3 GB रैम का होगा और एक 4 GB। जो 3 GB रैम का होगा उसका 9,999 रुपये रखा गया है, और जो 4 GB रैम जिसका होगा और 64 GB रोम उसका 11,000 समथिंग रखा गया, 12,000 के लगभग वो पड़ जाएगा। चलिए मैं आगे देख लेता हूँ इसमें क्या है। यही मोबाइल यहाँ पर दिया हुआ है, इसका गैलरी में देख लेता हूँ कैसे इसका फीचर है। ये देखिए यहाँ पर यही इसका फीचर दिया हुआ है। अब इसका टोटल जो ओवरव्यू है मैं देख लेता हूँ क्या मिलने वाला है इसमें। देखिए कहता है 5.99 इंचेज का एक बड़ा स्क्रीन इसमें मिलने वाला है। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फुल स्क्रीन डिस्प्ले, 4000 mAh बैटरी मिलेगा, जिसमें कहता है यदि आप कुछ यूज नहीं करते हैं तो आपको 17 दिन चलेगा, और यदि आप गाना सुनते रहते हैं MP3 तो आपको उसमें 165 घंटा चलेगा, यदि आप वीडियो देखते हो तो 15 घंटा चलेगा, और लगातार आप गेम खेलते हो तो आपको 9 घंटा चलेगा। चलिए अब मैं नीचे यहाँ पर देख लेता हूँ। ये देखिए और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर यह 4 कलर में मिलने वाला है। ब्लैक कलर में मिलेगा, गोल्ड में मिलेगा, ब्लू मिलेगा और रोज गोल्ड में मिलेगा। 4000 mAh बैटरी होगा, 18:9 में इसका फुल स्क्रीन होगा, और 3 GB रोम होगा और एक 4 GB अभी बताया ही था। चलिए और मैं इसका देख लेता हूँ। और क्या प्रोसेसर की बात करें तो 1.8 GHz है, दोनों में प्रोसेसर रहेगा। स्क्रीन यहाँ पर दिया हुआ है। और कैमरा की बात करें तो जो पीछे का कैमरा होगा 12 MP होगा, और जो आगे का कैमरा होगा वह 5 MP कैमरा इसका है। चलिए और यहाँ पर ये देखिए आपको दिया हुआ है पीछे इस तरह जो रहेगा आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये कैमरा आपका है। यहाँ पर ऑडियो पार्ट होगा, यहाँ माइक्रोफोन 2, इस साइड माइक्रोफोन 1, चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, स्पीकर यहाँ पर है, यहाँ पर इन्फ्रेड है, इसमें GPS रहेगा, GPS है, ग्लोनास है, वाई ड्यूओ है। सेंसर की बात करें तो प्रोक्सीमिटी सेंसर है, गायरोस्कोप सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर है, वाइब्रेशन मोटर है। चलिए मीडिया सपोर्टर है, MP4 है, M4 भी है, MK भी है, AAC है, WAV है, XVID है, MP3 AMR FLAC है। और जब आप मोबाइल लेते हैं तो साथ में आपको दिया जाएगा एक USB केबल दिया जाएगा, अडेप्टर दिया चार्जिंग के लिए, सिम निकालने के लिए एक इंसर्ट करने का एक जो टूल है इस तरह आपको दिया जाएगा, वारंटी कार्ड उसमें आपको रहेगा। ये तो देख लिया। अब मैं चलता हूँ आपको लेकर रेडमी नोट 5 जो प्रो आने वाला है उसके उसके बारे में बताने के लिए। अब रेडमी नोट 5 प्रो है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए उसका दाम जो है 13,999 रुपया, 14,000 के समथिंग ये है। और यह भी दो तरह का इसका फीचर है, एक 4 GB रैम है और एक 6 GB रैम है, और दोनों में क्या अंतर है जो मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं पहले आपको मोबाइल दिखा देता हूँ। इस तरह का ये मोबाइल होगा, जो 4 GB रैम का होगा उसका दाम 13,999, और जो 6 GB रैम का होगा उसका दाम 16,000 समथिंग कुछ है, यानी 17,000 के लमसम वो पड़ जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। कहता है कि पीछे का जो कैमरा होगा डबल कैमरा होगा, 12 MP प्लस 5 MP डुअल कैमरा होगा। स्क्रीन वही है जो रेडमी नोट 5 का है, 5.99 इंचेज है,
फ्रंट कैमरा की बात करें, फ्रंट कैमरा इसका बहुत अच्छा है दोस्तों, 20 मेगापिक्सल इसका सेल्फी कैमरा लेने का। बैटरी की बात करें तो बैटरी 4000 mAh है, उसका भी 4000 mAh है, नोट 5 का भी 4000 mAh है और नोट 5 प्रो का भी 4000 mAh है। चलिए अब मैं नीचे यहाँ पर चलकर देखता हूँ, फिर सेल्फी के लिए बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर देखिए वीडियो गेम के लिए दिया हुआ है, वीडियो गेम भी काफ़ी अच्छा इसमें आएगा, चलेगा बहुत स्मूथ चलेगा। अब मैं नीचे देख लेता हूँ, यहाँ पर सिम स्लॉट की बात करें, सिम स्लॉट यहाँ पर दिया हुआ है 3 चूजेज 2 नैनो सिम और माइक्रो सिम कार्ड, या तो दो नैनो सिम कार्ड डालिए या फिर उसमें से एक माइक्रो जो एसडी कार्ड होता है वो डालिए। यह भी 4 कलर में होगा, लेक ब्लू कलर, ब्लैक में होगा, गोल्ड में होगा और रोज गोल्ड में होगा। बैटरी इसका 4000 mAh है, सेल्फी है लेने का जो कैमरा फ्रंट कैमरा वो 20 मेगापिक्सल वो बता दिया हूँ। चलिए और फिर क्या है इसमें देख लेते हैं, और कुछ नहीं सब सेम ही है। ऑक्टा कोर है 636 स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर है, और ये लेंथ के बारे में दिया हुआ है, हाइट इसका 158.6 mm, ब्रेथ जो होगा आपको 75.4 mm, थिकनेस जो होगा मोटाई 8.05 mm, यानी एक स्लिम सेट है यह। वेट 181 ग्राम है। चलिए और फिर कुछ नहीं, और सब वही है जो रेडमी नोट 5 में है, वही सब कुछ दिया हुआ है, सेम वही चाहिए। MP4 MKV AAC MP3 सब जो सपोर्ट वो करेगा वह यह भी करेगा। इसमें भी आपको सेम वही चीज़ देने जा रहा है जो उसमें देगा आपको खरीदते समय, एक USB केबल देगा, अडेप्टर देगा जो चार्जर होता है, एक पिन देगा सिम निकालने के लिए, वारंटी कार्ड देगा और साथ में आपको इसमें माइक्रोफोन जो होता है ईयरफोन वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो सवाल अब उठता है कि दोनों में से कौन मोबाइल लेना ज़्यादा बेटर होगा। तो आप एक किफ़ायती दाम में अच्छा मोबाइल लेना चाहते हैं तो आप रेडमी नोट 5 ले लीजिए, लेकिन आप चाहते हैं, आप सेल्फी के दीवाने हैं, आप चाहते हैं थोड़ा सा और पैसा लगाकर अच्छा मोबाइल लेना चाहते हैं तो रेडमी नोट 5 प्रो ले लीजिए। उसमें आपको 6 GB रैम मिल रहा है 16-17 हज़ार रुपये में, और यदि उससे कम भी लगेगा तभी आपको 4 GB रैम में अच्छा सेल्फी मिल जाएगा जिसमें 20 मेगापिक्सल कैमरा है। ये दोनों हैंडसेट Redmi Note 5 और Redmi Note 5 Pro दोनों आपको 22 फरवरी से मिलना चालू होगा, जो आपको MI के वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट से आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप Flipkart से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आप तैयार हो जाइए, 22 फरवरी से ये आने वाला है, आपको जो अच्छा लगे जो आपके हिसाब से बेटर हो आप वो खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा बताया गया ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।